गाइस, आप लोगों को हमारे पति पत्नी के वीडियोस बहुत पसंद आते हैं। हम लोग की जो केमिस्ट्री है एज अ कपल, आप लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको भी कोई ऐसा लाइफ पार्टनर होना तो डाउनलोड करिए हैपन ऐप। So Happn app is a dating app which helps you connect with people from your neighborhood and your city. और आप लोग easily 90 kilometers के radius तक किसी से भी connect कर सकते हैं। अगर आपको कोई पसंद आया Happn app पे तो कुछ भी नहीं, बस खाली आपको like भेजना है और उधर से भी अगर like back आ गया तो you get a crush। वहाँ से जो है chatting शुरू कर ले सकते। ऐसे करा था मैं। पुराने दिन याद आ रहे। और जो है Happn app पे नया फीचर है वीडियो कॉलिंग का, जिसपे यू कैन टॉक टू योर क्रश फेस टू फेस। अब लॉकडाउन चल रहा ना, बाहर तो जाके मिल नहीं सकते, लेकिन ये वीडियो कॉलिंग फीचर से आप सीधा सीधा वर्चुअल डेट पे चले गए समझो, बिना घर के बाहर कदम रखे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी डाउनलोड कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उनके खिलाफ जब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ मेरे भाई, जब तक वो लोग हमारे प्यारे मुल्क, हमारे प्यारे शहर, हमारे प्यारे कम्युनिटी माहौल का नाम खराब करने वाला काम नहीं करते, जब तक वीडियो नहीं बनाता हूँ। शहबाज के बेहिसाब वीडियो है हैदराबाद किराक हैदराबाद के नाम से, लेकिन मैं आज तक वीडियो नहीं बनाया। शहबाज खान के बारे में क्यों नहीं बनाया भाई? भाई उसकी अपनी बिचारी की रोजी रोटी है, अपना कारोबार है, वो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो चलते रहता उन लोगों का। इसके लिए उन्होंने वीडियोज वगैरह बना लेते, बना के हंसी मजाक कॉमेडी कर लेते। उनको कारोबार नहीं है, काम धंधा नहीं है, खैर वो कर ले, उनका अपना मसला है। अपन हर किसी के मामले में इंटरफेयर होने से पहले, लेकिन जब हिजड़ों का लिबास इस्तेमाल करे, शहबाज बाबा लेडीज का ड्रेस इस्तेमाल करे, जिस तरह आंटी नंबर वन में गोविंदा जिस तरह लेडीज का लिबास पहना था, उस तरह जब लिबास पहने शहबाज बाबा तो तकलीफ हुई, क्योंकि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम मुसलमान है, हिंदुस्तान का है, हैदराबाद का है, मेरे छोटे भाई का दोस्त भी है। छोटे भाई का रहो, बड़े भाई का रहो, किसका भी दोस्त और दुश्मन अपनी जगह है, लेकिन जब हरकत गलत हुई तो वीडियो बनाया। तो मक्का में दोस्त बोल रहे थे खदीर भाई शहबाज खान किसी को रिप्लाई नहीं था, भैया आपके वीडियो का रिप्लाई दिया, ये चीज है। और शहबाज बाबा बोल रहे थे उसमें क्या उनके घर में उनके माँ, मतलब मेरे बारे में बोल रहे थे शहबाज बाबा, घर में माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ में रवैया सही नहीं है। तो याद रखो शहबाज बाबा, आपको भी बोल रहा हूँ, मैं मेरी माँ के साथ में ना हलक के बाहर बड़ी आवाज से बात नहीं करता हूँ, जिस तरह छोटे बच्चों से बात करते ना लाड़ से, उस तरह मेरी माँ से बात करता हूँ। और कभी मेरे वालिद मोहतरम के साथ कुर्सी पे नहीं बैठा बराबर में, जूतियों में परम बैठा, मेरे वालिद मोहतरम अगले जहान की तरफ गए तक। दूसरी चीज ये है, ठीक है, एक चीज हो गई। रहा सवाल आज की जो मेरी वीडियो है हैदराबाद डेरीज के नाम से, जो गुल्लू दादा का बेटा है, लोग बोले खदीर भाई गुल्लू दादा के बारे में बोलना अच्छा नहीं रहेगा, गुल्लू दादा रहने दो या उल्लू दादा रहने दो, कोई भी दादा रहने दो, कोई भी दादी रहने दो, गलत काम किया जाएगा तो बिल्कुल खुल के बिल्कुल मुखालिफत की जाएंगी। माँ के पेट से हम आपा जान पैदा नहीं हुए, गलत कोई करेगा तो बिल्कुल बोला जाएगा। अब रहा सवाल किसका, अबरार बाबा के छोटे भाई शाहरुख बाबा की बारी है। आज ये वीडियो उनके लिए, उन्होंने जो वीडियो अपलोड करे वो साथ में कभी एक क्या है वो डुप्लीकेट गैर मुसलमान बच्ची, डुप्लीकेट बच्ची को ले लेके बहन बना ले गए, साथ वीडियो बनाते हंसी मजाक के बहन भाई के, ठीक है उनका कारोबार है, काम धंधा नहीं होगा उनको, उनके वालिद साहब के फिल्मा नहीं चल रहे होंगे, उनके भाई खतर से आ गए होंगे, कर ले रहे, खैर अपना अपना मसला है, जो भी है कर ले रहे, कर ले दो, ठीक है उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है हमारा। दूसरी चीज ये है कि शाहरुख बाबा जैनब नाम है उसका, उसको जब जैनब को देखता हूँ ना मैं, हैदराबाद नामपल्ली कंट्रोल रूम के जो हिजड़े खड़े हुए रहते, कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड मियापुर के जो छक्के खड़े हुए रहते, छक्कों का चेहरा देखना, जैनब जो है ना ये साथ में शाहरुख के, उसका चेहरा देखना मेरे को बराबर दिखता मेरे को, एक चीज ये है। और दोनों मिलके अवाम और नास को एक नसीहत कर रहे क्या कि आप प्ले स्टोर में जाके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद में बच्चियों को आप ट्रैक करो, बच्चों को टैग करके इनसे क्या है मैसेज वगैरह करो, उनसे कांटेक्ट में रहो, लॉकडाउन का मसला है, डेट पे पार्क वगैरह को जा नहीं सकते, लिहाजा घर में बैठ के वीडियो कॉलिंग करो। शाहरुख बाबा और जैनब वैसी मिले बल्कि बोल रहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर ये वीडियो शाहरुख की आती नहीं थी तो मेरे को जरूरत नहीं थी कि इस तरह की शाहरुख के लिए, गुल्लू दादा के लिए, अदनान साजिद के बेटे के लिए वीडियो बनाने के लिए बेहयाई फैलाने वाले काम करेंगे। मुल्क किस तरफ जा रहा, हैदराबाद की हालत किस तरफ जा रहे, नौजवानों की हालत कैसे है, कितने लोग मौत की नींद में सो गए, कितने लोग उस्मानिया में, गांधी में और नीलोफर के बाहर पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत के लिए खाने को बिल बिला रहे, इन लॉकडाउन में कारोबार नहीं है तो घरों में रहना है, तो आशिकी करने का स्टाइल सिखा रहे, और इनकी अकलमंदी देखो
देखो हमारे सोशल मीडिया पे जो उनको फॉलो करते हैं, भाया और फॉलो करो, आपकी अपनी मर्जी है। अपने घर के इज्जतदार खवातीन को मार्केट में नहीं लेके आते, अम्मा को लेके आते डुप्लीकेट लेके आते, बहन को लेके आते डुप्लीकेट लेके आते, बीवी को लेके आते जैनब को डुप्लीकेट लेके आते, और बोल रहे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेके बच्चियों को पटाओ, बैठ के उनसे नंबर आ लियो, उनसे बात करो, बेहयाई फैला रहे, इसको बोलते दयूस। और जैनब के भी और एक जो बच्ची कृति नाम है ना, भैया भैया बोलती शाहरुख को, उन तो गैर मुसलमान है, उसके घर वालों को भी अल्लाह अकल दे, लेकिन जो साथ में जैनब है ना हिडड़े के छक्के के मुंह की, उसका बाप भी दयूस है, उसका भाई भी दयूस है, उसका शोहर अगर हुआ तो वो भी दयूस है। जो दयूस होते उन्होंने अपने घर की खवातीन को इस तरह छोड़ डालते है, गीरतमंद कोई भाई नहीं छोड़ता, कोई बाप नहीं छोड़ता, टांग पे टांग करके चीर डालता बेटियों को, क्यों बेहयाई फैला रही, बल्कि नाम खराब कर रही। खानदानी जो बच्चियां होते ना इस तरह काम नहीं करते, बेशरम बेहया दयूस, जिनकी फैमिली के अंदर जेंट्स होते उस तरह वो से लोग इस तरह के बच्चों को छोड़ते। शाहरुख बाबा की होशियारी देखो, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके बच्चियों को पटाओ बोल के बोल रहे, लेकिन अपने घर के खवातीन का नंबर नहीं डाल रहे। ये अम्मी का नंबर है, ये साली का नंबर है, ये बीवी का नंबर है, ये बहनों का नंबर है, डाल रहे नहीं डाल रहे, क्यों? अपनी घर की जो इज्जत है उनको सेफ्टी में रखो, मुसलमान बच्चों को नौजवान बच्चों को गंदगी के रास्ते की तरफ ढकलो। मेरे भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की मुल्क के हालात खराब करने के, नौजवान नस्ल को इस्लाम से दूर करने और बेहयाई फैलाने वाले कोई काम करेंगे तो खुल के आप उनकी मुखालिफत करो, बिल्कुल मुखालिफत करो। देखो उनको दूसरों की बहनों को पटाओ बोल के दूसरों के भाइयों को सिखा रहे, दूसरों के बहनों को सिखा रहे, बच्चों को कैसा पटाना, बच्चों को कैसा पटाना। इसीलिए बोलते माँ की गोद पहला मदरसा। काश शाहरुख को अगर माँ के गोद से तरबियत अच्छी मिल जाती तो इस तरह की बेहयाई ना फैलाता। अल्लाह ये शाहरुख को और इस तरह के छिछोरा काम करने वाले यूट्यूबरों को अल्लाह तौफीक दे। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, ना गुल्लू दादा से डरने की जरूरत है, ना उल्लू दादा से डरने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नीचे के नीचे कमेंट करो।